है ना, नहीं चाहिए, बहुत प्यारी बहुत है मेरे लिए। और राजस्थान कब आ रहे हो आप? पिट शॉप आपका भाई जम्मू आ गया यार। लैला देख रहे हो कितनी सेक्सी लग रही है यार, कितनी प्यारी लग रही है। ये वही है हार्ले डेविडसन की बाइक जो सारे ब्लॉगर्स इस पे थोड़ी बहुत ब्लॉग बनाते हैं। हाँ गाइस, ये वही पुल है सीधरा वाला। गाइस देख सकते हो फाइनली आमिर माजिद भाई आ चुके हैं और मेरे चेहरे के खुशी का ठिकाना नहीं है। ये रहा पिट शॉप जिसको अपन मैं कई सालों से समथिंग 2-3 साल से वीडियोस में देखता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, यही मैंने रूम ले लिया है, मैं कल निकलूंगा। आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं अभी आ चुका हूँ पिट शॉप पे, आपको दिखाता हूँ। ये रहा पिट शॉप कैफे जहाँ पे सारे राइडर्स आते हैं, आमिर भाई और सब लोग आते हैं। और ये रहे अपने बुरान भैया जिनका ये कैफे है। मतलब मैं यहाँ देखा ना नर्वस हो गया, क्योंकि ब्लॉग्स में देखता हूँ आमिर भाई को, मैं 3-3.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। बात की उनसे? नहीं, वो रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। इतनी दूर से आया तो थोड़ी देर वेट करो। हाँ हाँ, नहीं कोई सुने, मैं वैसे भी स्टे, हाँ नहीं वैसे मैं स्टे करने वाला हूँ 3-4 दिन। बिकॉज मैं कल चला था राजस्थान से सुबह चला था तो फिर मैं रात को बारिश आ गई तो यहाँ पे पठानकोट में रुका मैं। तो अभी बुरान भैया बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आमिर भी आ जाएंगे। तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस होना पता नहीं यार, बता नहीं सकता आपको। तो ये देख रहे हो कैफे यार, अंदर से पूरा सारे राइडर्स वाइडर्स आते हैं ना यहीं पे। अभी मैंने बुरान भैया से बात की, बुरान भैया बोले आमिर आने वाला है या आ जाएगा, आप वेट कर लो। तो मैं बोला कि मैं यहाँ पे स्टे करने वाला हूँ 2-3 दिन, तो यहाँ पे पास में होटल है, यहाँ पे देखता हूँ रूम रेंट अगर सही रहेगा तो यहीं पे स्टे कर लूँगा, रूम रेंट वगैरह दे दूँगा। और ये रहा कैफे यार, मैंने व्लॉग्स में देखा था। और वो रही स्पाइडी अपनी गाइस, देख रहे हो यहाँ पे पार्क कर रखी है। और ये वही लोकेशन है जो मैं व्लॉग्स में देखता हूँ, यहाँ पे व्लॉगर्स आते हैं यार। लिटरली मैं मुझे मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा यार कि मैं यहाँ पे आ गया। मैंने बुरान भैया को भी बोला कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। और ये बाइक देख रहे हो, ये वही है हार्ले डेविडसन की बाइक जो सारे व्लॉगर्स इस पे थोड़ी बहुत व्लॉग बनाते हैं, जो अंदर पार्क रहती है भी भाग खड़ी हुई है। तो अभी देखते हैं यार, यहाँ पे होटल वगैरह में बात करता हूँ, फिर अपना लगेज वगैरह रख देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या सीन रहता है आमिर भाई से मिलने का भी। यार मेरा मतलब क्या बताऊँ मैं गाइज आपको, जिस बंदे को मैं 3-3.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ आज उससे मिलूंगा। तो फाइनली मैंने इसी पीछे वाले होटल में रूम डन कर दिया, बिकॉज मेरे को ना तो यहाँ की लोकेशंस का पता है ना किसी और चीज़ का पता है। तो बुरान भैया से बात की थी तो बुरान भैया ने बोला कि आप यहाँ नियर बाई में ले लो, बिकॉज जब ब्लॉगर्स वगैरह आते हैं ना आपको पता भी चल जाएगा। तो मैंने ये वाला रूम लिया जो ये वाली विंडो है, तो यहाँ से मेरे को पूरा व्यू मिलेगा, अगर कोई भी आएगा ना तो पता लग जाएगा। तो अभी अपनी स्पाइडी पे से लगेज वगैरह खोलते हैं और इसकी चैन भी मुझे टाइट करवानी है चैन, बिकॉज इसकी चैन है ना जो लूज़ हो चुकी है। तो अभी अंदर लगेज वगैरह लेके चलते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर वेट करते हैं बुरान भैया को, बोलते हैं आमिर भाई को कॉल करने के लिए। तो आमिर भाई से भी मिलने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको चल के रूम भी दिखाता हूँ। बड़ा लग्जरी रूम है, थोड़ा कॉस्टली तो है, वैसे तो इन्होंने रेंट 2400 रेंट मांगा था, बट बुरान भैया ने बात की तो बोला कि ठीक है 2000 में हो जाएगा। तो अभी तो मैं सिंगल डे के लिए ले रहा हूँ, देखता हूँ कल अगर मेरे को एक्सटेंड करना होगा ना तो मैं एक दिन और रुक जाऊँगा। तो 2000 में काफ़ी लग्जरी रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के, फिर मिलते हैं आपसे अंदर। फाइनली मैंने ये वाला रूम लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ रूम, मैंने बोला था ना कितना प्यारा रूम है। तो नीचे देख रहे हो ये रहा पूरा पिट शॉप, जस्ट पिट शॉप के ऊपर वाला रूम लिया। तो कोई भी बाइकर मोटो ब्लॉगर कोई भी आएगा ना तो एकदम से मुझे पता लग जाएगा आमिर भाई कोई भी आएंगे ना यहाँ पे। तो नीचे बुरान भैया बैठे हैं देख सकते हो आप। तो रूम भी काफ़ी अच्छा है, देख रहे हो पूरा रूम दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा रूम है। और मतलब जिस प्राइस के अकॉर्डिंग है ना, ये देख रहे हो बाथरूम इसका, तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रूम है। तो अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, चेंज वगैरह कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ बुरान भैया से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आमिर भाई को कॉल करें, फिर आमिर भाई से मिलते हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश फ्रेश हो चुका हूँ और अभी भूख भी लग रही है, तो कुछ खाते हैं, नीचे चलते हैं कुछ खाना वाना खाते हैं और बुरान भैया से भी बात करते हैं, आमिर भाई को कॉल वगैरह करने के लिए बोलते हैं। और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैं आमिर भाई से मिलूँगा। और मैं मेरे कुछ बहुत सारी विशेज हैं जो आमिर भाई से मेरे को बात करनी है, जो मेरे को पूरी करनी है, जो आपको पता लग जाएगा आगे ब्लॉग में, बिकॉज मैं उनसे पूछने वाला हूँ जो चीज़ें और मैं करने वाला हूँ। बट यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा यार कि मैं यहाँ पर आ गया गाइस, पिट शॉप आपका भाई जम्मू आ गया यार। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था यार मैं आ जाऊँगा, बट जो मैंने डिसीजन बना लिया ना तब मैं आ ही गया यार, वो भी 2 दिन में। 2 दिन नहीं, आज सेकंड डे है, कल मैं सुबह निकला था और आज समथिंग 11:30 बजे मैं पहुँच गया है। 750 किलोमीटर कवर कर लिया आपके भाई ने। अभी चलते हैं खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं बुरान भी ऐसी बात करते हैं। गाइस देख सकते हो फाइनली आमिर माजिद भाई आ चुके हैं और मेरे चेहरे के खुशी का ठिकाना नहीं है। ये रही लैला और म्यूजिक चल रहा है अंदर,
मैं चलता हूँ, मिलता हूँ भाई से। आमिर भाई, ये रहे अपने आमिर भाई। आमिर भाई कैसे हो? सवाल है, सुबह से वेट कर रहा हूँ, राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आया हूँ? 750 किलोमीटर सीवर कर रहा हूँ। साढ़े तीन साल क्या बात है भाई, मैंने सोचा यहाँ से भाई बहुत दूर से आया। थैंक यू सो मच भाई, कैसे प्यार बताते हो। मैं रात का सोया नहीं एक्चुअली, इसलिए ना 3.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था जब भी ये पूरा सीवर कर रहा हूँ, पता नहीं। तो जब ये जगह देखी ना तब भी मैं ऐसे अजीब सा हो गया। सुबह से वेट कर रहा हूँ बुरान भाई को। वो मेरी बाइक है। यहाँ से कहाँ का प्लान है? नहीं, मैं आपसे मिलने आया था। बस सिर्फ मेरे से मिलने के लिए दूर से आए हो? कल सुबह निकला 5 बजे, रात को 10 बजे तक ड्राइव किया, फिर यहाँ पे जो ये है ना पठानकोट पे स्टे किया। रात को बारिश आ गई, फिर कोई छोटा मोटा होटल देखा एडजस्ट करके, फिर सुबह 6 बजे निकल के यहाँ पे आ गया। हाँ यहीं दुरान भैया ने बोला यहीं रुक। आप आओ ना। थोड़ा सा काम पे जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय पीने के लिए आया था। बस थोड़ा सा अपनी स्पाइडी को ड्राइव कर लो, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। अभी तो यहीं हो ना? हाँ यहीं हूँ। कब तक आओगे आप? पता है मुझे कब तक आओगे, मैं वेट कर रहा हूँ यही। मैंने रूम ले लिया है, मैं कल निकलूँगा। आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पक्का पक्का आपके लिए कुछ लाया भी हूँ मैं, तो शाम को ही दूंगा जब आप आओगे तब। पक्का है ना? चाहिए। और राजस्थान कब आ रहे हो आप? राजस्थान भाई अभी अपन प्लान कर रहे हैं, तो 3-4 भाई हैं साथ में। चलो शाम को। पक्का मैं वेट कर रहा हूँ यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। पक्का पता, मैं निकला तो मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि तू मेरे को वहाँ पे जैसे मैं हूँ। नहीं, मैं सीकर से हूँ, जैसे राजस्थान में। देख रहे हो आमिर बाजी भाई से मिल लिया हूँ मैं यार। बोल रहे भाई शाम को आ रहा हूँ। वो जारी लैला, लैला देख रहे हो कितनी सेक्सी लग रही है यार, कितनी प्यारी लग रही है, मैं बता नहीं सकता आपको। और मेरी किस्मत देख रहे हो, मैंने बुरान भैया को बोला था, तो वो बुरान भैया बोले उसका कॉल ही है ना ऑफ आ रहा है, आमिर भाई का तो फ़ोन ऑफ आ रहा है, तो अब क्या करें। तो इतने में आमिर भाई आ गए यार, मतलब मैंने सोचा नहीं था यार आमिर भाई से मिलूंगा। पता, मैं शिविर करने लग गया, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लग गई यार भाई। अभी आमिर भाई बोल रहे हैं कि मैं शाम को आता हूँ, तो अभी वो जो भी काम अपना पूरा करते हैं फिर देखता हूँ क्या सीन रहता है। तो गाइज अभी आमिर भाई चले गए हैं, वो उन्होंने बोला है कि मैं शाम को आता हूँ। ये रहा पिट शॉप, जिसको अपन मैं कई सालों से समथिंग 2-3 साल से वीडियोज़ में देखता हूँ। आज सामने देख के बड़ा मतलब दिल खुश हो गया यार, बड़ा अच्छा लग रहा है सामने। और मैं भी शाम को सारे बाइकर्स आने वाले हैं यहाँ पे, तो आमिर भाई ने भी बोला है शाम को आता हूँ मैं लेट तक फ्री होके। तो मैंने सोचा तब तक अपन थोड़ी सी आगे राइड कर ली जाए, जो यहाँ का जम्मू का स्टैंड पॉइंट है वो देख के आ जाऊँ, आगे चलता हूँ। मेरे को पता तो नहीं है, मैंने लोकेशन लगाई है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और अपनी स्पाइडी की हालत देख रहे हो आप, क्या हालत हो रखी है स्पाइडी की? हालत हो रही है बहुत ख़राब, बहुत गंदी हो रही है, पूरी मड में हो रखी है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको जाते टाइम या तो वॉश करवा लूँ या इसकी चैन तो लूज़ करवानी है मेरे को। वो जिसकी चैन है ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है गाइस। तो देखते हैं यार, पहले चलते हैं। और पहले अपने को कहाँ पर चलना है? पहले चलना है जो स्टंट पॉइंट है ना, मेरे को पता नहीं है, बट फिर भी मैंने मैप में लोकेशन लगाई है। तो देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता। तो पहले बाइक को करते हैं स्टार्ट, बिकॉज सुबह से है ना मैंने बाइक को स्टार्ट भी नहीं किया, आके यहाँ पे पार्क कर दिया था, उसके बाद में कोल्ड स्टार्ट भी नहीं किया। तो थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। गाइस यहाँ पे यार कुछ मतलब बच्चे वगैरह मिल गए थे, तो वो पिक्चर वगैरह क्लिक करवा रहे थे यार, देख के काफ़ी अच्छा लगा। उनको लगा मैं जम्मू से हूँ, तो मैं ब्लॉगर हूँ जम्मू का, बट मैं जम्मू का नहीं, मैं राजस्थान का ब्लॉगर, जम्मू में ब्लॉगिंग करता घूम रहा है। तो उन्होंने मुझे रोक लिया यार, फैमिली थी, एक बच्चा था, तो उनकी मम्मी बोली कि इसको ब्लॉगर्स का बहुत शौक है, मतलब बाइकिंग का बहुत शौक है। तो उन्होंने पिक्चर वगैरह क्लिक करवाई, काफ़ी अच्छा लगा। और गाइज ये देख रहे हो, ये सीतरा वाला पुल है गाइज, ये वही पुल है। हाँ जी हाँ गाइज, ये वही पुल है सीतरा वाला। अभी ये रास्ता मुझे नहीं पता कहाँ जाता है, बट आगे तक चलते हैं। अगर आगे अपने को स्टैंड पॉइंट मिलता है तो स्टैंड पॉइंट पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। बिकॉज रास्ता मुझे नहीं मालूम किधर लेके जाने वाला है सीतरा, जो इनका स्टैंड पॉइंट है ना बाइकर्स का, वहाँ पे चलना है। बिकॉज मैं सोचा आमिर भाई तो शाम तक आएंगे, लेट आएंगे, तब तक अपन थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा अपना स्टैंड पॉइंट वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं जम्मू को। और ये देख रहे हो यहाँ पे साइड में, ये भाई वही है जहाँ पे ऑफ रोड करते हैं जम्मू के सारे व्लॉगर्स। तो ये किधर जाता है यार, मेरे को पता ही नहीं है, कटरा। तो यार किधर दिखा रहा है गाइस, इधर दिखा रहा है, हाँ इधर ही चलना है मेरे अकॉर्डिंग, इधर ही दिखा रहा है, ये वाला रास्ता ही दिखा रहा है।
तो इधर चलते हैं, बाइक को थोड़ा भगाते हैं। वो स्टंट पॉइंट किस साइड है बिकॉज मेरे को पता नहीं है, तो ये वाला रास्ता जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं चल रहा हूँ, अगर नहीं जाएगा तो अपन वापस रिटर्न आके दूसरे वाले रास्ते की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं यार, पहले चलते हैं। यहाँ पे लीनिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। लीलवानी रोड है ना, बड़ी प्यारी रोड है ये, देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लीन हो रहा है। बट मेरे को लग रहा नहीं है ये वाला रास्ता, बिकॉज उस वाले रास्ते पे ना हेवी व्हीकल जाते हैं और यहाँ पे हेवी व्हीकल दिख ही नहीं रहे भाई, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। तो ये पता नहीं हिल स्टेशन लग रहा है मेरे को, तो हिल पे जा रहा है रास्ता ही। तो देखते हैं यार आगे क्या सीन रहता है भाई। ये वाला रास्ता नहीं है गाइस, तो मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, रिटर्न कर लेता हूँ वापस, बिकॉज ये वाला रास्ता नहीं है, यहाँ से घूमना पड़ेगा मेरे को। अब मैप में भी मेरे को उसकी लोकेशन नहीं पता उस जगह की, तो मैं जो लोकेशन लगा सकूँ, तो फिर यहाँ से रिटर्न ही कर लेते हैं अपन। ऐसे करते हैं रिटर्न करके फिर वापस चलते हैं। तो यहाँ से कर लिया अपन ने रिटर्न और वापस घूम के जाने वाला हूँ मैं, देखो जहाँ से मैंने गेट में एंटर किया था ना, वापस वहीं से जाने वाला हूँ। देख रहे हो लीन चेक कर रहे हो गाइस, भाई यहाँ की सड़कें बड़ी प्यारी है, लीन मारने में जो मज़ा है ना। बट आगे पुलिस वाले खड़े हैं तो थोड़ा आराम से चलूँगा, बिकॉज ये मेरा एरिया नहीं है और यहाँ पर अगर सीन हो गया ना कुछ तो भाई मेरे को छोड़ने वाले हैं नहीं, बिकॉज गाड़ी ना तो जम्मू की है तो अदर स्टेट की गाड़ी रह गई अपनी, तो इश्यू हो सकता है, उससे अच्छा आराम से चले। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल।